मेरा नाम महेंद्र सिंह बड़गुजर है, इनकम टैक्स में मैंने काम किया है, असिस्टेंट कमिश्नर रिटायर हूँ और 1978 से ही मैं एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ। एसोसिएशन चलाई हैं, फेडरेशन चलाई हैं, ऑल इंडिया फेडरेशन जो इनकम टैक्स का है, मैं उसका सेक्रेटरी जनरल रहा हूँ और मैं जब भी कोई मुझे ड्यूटी मिलती है कि मैं समाज के लिए कुछ करूं, क्योंकि अम्बेडकरवादिता मेरे कण कण में शुरू से ही जीवन से ही बसी हुई है। बहुत गलत, बहुत बुरा टाइम देखा है, जो मैंने टाइम देखा है मैं उससे अंदाज़ा लगा सकता हूं कि हमारे पूर्वजों ने पशुओं का जीवन जिया होगा, क्योंकि 1922 में ही हमें जलाशय से पानी लेने का अधिकार मिला है। और मैं कोई दिन नहीं जब बाबा साहब को याद ना करता हूँ। मैं जो भी आज आपको नज़र आ रहा हूँ साफ कपड़े पहन के, या जो मेरी दाढ़ी अच्छी नज़र आ रही है, या जो मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ, जैसे मैंने कहा मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये सब बाबा की देन है। और मैं अभी रिटायर होने के बाद में भी हम यही चाहते हैं कि जो हमें बाबा ने दिया है उनके जो सपने अधूरे हैं हम उनमें लगे रहें, और जो भी हमसे बन पड़े हम पॉजिटिव विचारधारा में लेके लोगों तक जाएं, लोगों को समझाएं। अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अब 2% भी ठीक नहीं हुआ है, जहाँ तक 15% का हमारा जो रिजर्वेशन SC को और 7.5% जो ST को मिला है, सारे ये 22.5% में से टोटल मिला के 2.5% भी हमारे लोग अभी कामयाबी के उस मजार पर नहीं पहुँचे हैं, उस पर दरवाजे पर नहीं पहुँचे हैं कि अभी हम कह सकें कि कुछ मिला है। अभी कुछ नहीं हुआ है, हमारी और ड्यूटी बढ़ जाती है कि जो हमारे और भाई हैं, जो जिस स्थिति में हम रहते थे, हम पढ़े लिखे हुए, हम ये बात उन तक पहुँचाएँ, क्योंकि ये जो अंतर्राष्ट्रीय दलित सम्मेलन है इसका हमारा एक मुद्दा है कि हमारी जो ग्रीवांसीज हैं वो हम गवर्नमेंट को बताएं और उस बात को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको ले जाने की कोशिश करें। पर हमारा आज, क्योंकि आपने मेरे को पूछने की कोशिश की है कि मैं कुछ कहूं, 14 और 15 मई के लिए मैं पूरे समाज को आह्वान करता हूं कि वह पूरे परिवार के साथ यहां पर आएं और इसको सफल बनाएं। धन्यवाद।